माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 21 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक फुल प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इसमें सामान्य अध्ययन के सभी सेक्शन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न होते हैं या फिर आज के नए पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे पहले मैंने 20 सेट बनाए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वर्धमान। यह महावीर का मूल नाम था वर्धमान महावीर। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है, जबकि जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर आदिदेव या उन्हें ही ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में बताता हूँ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता इक्ष्वाकू वंश के राजा थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक। सही आंसर होगा डी नंबर। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यवाद का विकास किया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान यह भारत, हमारा प्यारा देश भारत, इसी का है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए एक प्रश्न, देखिए लिखित होना जरूरी है, ये दोनों ही प्रश्न में लिखित वर्ड का होना जरूरी है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, सबसे पुराना लिखित संविधान यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास में भाग लेगा? यानी इंद्र 2020 अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच में होता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान। सही आंसर होगा रशिया। तो भारत और रूस के बीच में इंद्र 2020 सैन्य अभ्यास होता है। इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? शिकागो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? सही आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह टाइम्स पत्रिका जो है उसके हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। समुद्री चूहा किस संघ का जंतु है? आप यहाँ पे वर्ड पे गौर करें, मैं समुद्री चूहा बोल रहा हूँ, नॉर्मल चूहा की बात नहीं हो रही है। ऑर्थोपोडा, स्तनपाई जिसे हम मैमल्स के नाम से जानते हैं, मोलास्का या एनेलिडा, ये जंतुओं के संघ के नाम हैं। तो आपको बताना है समुद्री चूहा किस संघ का जंतु है? ऑर्थोपोडा, स्तनधारी, मोलास्का, एनेलिडा। सही आंसर होगा एनेलिडा संघ का प्राणी है, जिसमें केचुआ भी आता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है केचुआ किस संघ का प्राणी है, वह भी एनेलिडा संघ का प्राणी है। मोलास्का में घोंघा वगैरह आता है। उसके बाद अगर आप बात करें स्तनधारी की, तो मैमल्स में ह्यूमन, चमगादड़, ब्लू व्हेल, जो भी स्तनपाई होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, तो उन्हें हम स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं, और ऑर्थोपोडा। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? एनेलिडा, डी नंबर।
मूंगफली का टिक्का रोग किस कारक के कारण होता है? इनमें से कोई नहीं, बिपेलेसिस ओराइजी, मैग्नापोर्थ ओराइजी, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। यहाँ पे सही आंसर होगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। मूंगफली का टिक्का रोग इसी कारक के कारण होता है। मूंगफली के टिक्का रोग में मूंगफली की पत्तियों पर टिक्का, जो टिक्का आप लगाते हैं उस तरह का स्पॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, एक धब्बा के रूप में मूंगफली का पत्तियों पर बन जाता है, इसीलिए इसे टिक्का रोग कहा जाता है। इसके कारण मूंगफली का जो दाना होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा और मतलब पुष्ट नहीं होता है। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन का पाचन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अग्र छुद्रांत में, वृहदांत में, ग्रहणी में या छुद्रांत में? सही आंसर होगा ग्रहणी में। एंजाइमों के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। आप जानते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में जो लार होता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। मुख से पाचन के बाद ग्रसन नलिका से होते हुए आमाशय में भोजन पहुंचता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में और फिर रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एंजाइम का सर्वाधिक उपयोग करके किस जगह पे सबसे ज़्यादा पाचन होता है? तो छोटी आंत का एक पार्ट होता है जिसे हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे डियोडिनम के नाम से जानते हैं। तो वहीं पे एंजाइमों का सर्वाधिक उपयोग करके भोजन की पाचन क्रिया सम्पन्न होती है। कागज़ का खोज किस देश में किया गया था? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर ब्रिटेन में? आपका सही आंसर होगा चीन में कागज़ का खोज किया गया था। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला, तो कागज़ का खोज किस वंश के शासनकाल में हुआ था? चीन में ही कागज़ का खोज वहाँ के हान वंश के शासनकाल में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 202 ईस्वी पूर्व में कागज़ का खोज किया गया था। किस व्यक्ति ने खोज किया था? साइलून नामक व्यक्ति ने, जो कि चाइनीज व्यक्ति थे, इन्होंने ही कागज़ का खोज किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? बाल्ड ईगल, चिड़िया, उल्लू या फिर कोयल? जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक मोर है, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही आंसर होगा, आप पिक्चर देख रहे हैं, या बाल्ड ईगल, इसका ही पिक्चर है और यही संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपका सही आंसर होगा 1, बाल्ड ईगल। जालियांवाला बाग किस स्थान पर स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल? आपका सही आंसर होगा पंजाब। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया था जो जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत क्या किया जाता था कि किसी भी क्रांतिकारी को बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के दौरान डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा बुलाई गई, जो कि जालियांवाला बाग नामक स्थान पर बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश जनरल ओ'ड्रायर ने उस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया और हजारों लोगों की मौत हो गई। तो यही था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ये किस जगह पे स्थित है? पंजाब के अमृतसर में ही जालियांवाला बाग स्थित है। किस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ राम कियेन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रामायण है,
मतलब रामायण को उस देश में रामकियन के नाम से जाना जाता है और यह उस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है। आपको नाम बताना है, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। सही आंसर होगा, यह थाईलैंड में स्थित है। मतलब थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वह क्या है, रामकियन या रामायण है। कीवियों का देश किस देश को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड को कीवियों का देश के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम एवं पार्क किस राज्य में स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, गुजरात में भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम एवं पार्क स्थित है। गुजरात के कौन से ज़िले में, महिसागर जिले में, और कौन से गांव में, रियोली गांव में। ब्लॉक का नाम क्या है, बालानिशोर। तो आप यहां से दो तीन चीज़ याद रखिएगा, महिसागर जिले के बालानिशोर ब्लॉक के रियोली गांव में भारत का सबसे पहला डायनासोर संग्रहालय तथा जीवाश्म पार्क का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया था। निम्न में से किस देश के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का फोटो है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का फोटो है। अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ पे चूंकि मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, 87.5% आबादी इस्लामी धर्म को मानने वाले लोगों की है, फिर भी यहाँ के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की मूर्ति है। इसके कारण में मान्यता यह है कि भगवान गणेश इंडोनेशिया को विभिन्न प्रकार के मतलब जितनी भी समस्याएं होती है उससे बचाते हैं, इसीलिए हिंदू हो या मुस्लिम सभी वहाँ पे गणेश की पूजा करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। आपका सही आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह गोवा है। गोवा की जो मतलब वहाँ का जो क्षेत्रफल है वह 3,702 वर्ग किलोमीटर के ही लगभग है। निम्न में से किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा, विटामिन ए को त्वचा सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। यह क्या होता है, कसाव लाकर उसे चमकदार बनाता है त्वचा को, और त्वचा को क्रैक्स से भी बचाता है, जो क्रैक्स होठ जैसे फटने लगते हैं तो उससे भी यह बचाता है और स्मूथ बनाता है। विटामिन ए जो होता है वह किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप जानते हैं, कद्दू, पपीता, गाजर, दूध, दही इत्यादि चीज़ों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको सुंदर बनना है तो आप कद्दू का, पपीता का, गाजर का, दूध और दही का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है, एक हल्का सा क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इनमें से कोई नहीं। सही
सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ से एक दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको से पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है, तो वह भी वाशिंगटन डीसी ही है। फल उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। फल विज्ञान, कोशिका यांत्रिक गतिविधियों का अध्ययन, पादप आकार की, अनुवांश की। देखिए इस तरह से लिखा नहीं रहता है आपको, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इंग्लिश में लिखा रहेगा। ऐसे तो फल उत्पादन के लिए फल विज्ञान में ही आप टिक लगाइएगा, तो यहाँ पे सही आंसर भी वही होगा, फल विज्ञान। इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एकमात्र हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एब्सिसिक, एथिलीन। कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सही आंसर होगा एथिलीन नामक हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो फलों को पकने में सहायक होता है। निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुख्यतः कौन सी है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नॉर्मली धातुओं को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। क्या आप लोहा को धातु काट सकते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मुख्यतः तीन धातु, आपका सही आंसर यहाँ पे होगा पोटेशियम, क्योंकि मुख्यतः तीन धातु लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें डैश का समावेश होता है। कंप्यूटर जो बाइनरी अंकों पर चलता है, तो उसमें किस किस अंक में, मतलब बाइनरी डिजिट में कौन कौन से अंक आते हैं। 1 और 2, 1 और 10, 0 और 1, 2 और 4। सही आंसर होगा 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं। हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राजीव भाटिया, विजय मोहन, ननोपतिज, उत्पल कुमार सिंह। सही आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है उससे, या फिर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, या फिर चुनाव आयोग से। तो संविधान का आर्टिकल 123 किससे संबंधित है। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। जब संसद सत्र में नहीं होता है, तो देश में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी करे, और उसका वैल्यू उतना ही होता है जितना संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें ड्रॉबैक होता है कि 1 महीने के अंदर, जब से संसद कार्यवाही में आता है, उसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसका मतलब संसद से पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा वह इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वह अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है, जो शक्ति देश में राष्ट्रपति का होता है अध्यादेश जारी करने का, वही शक्ति राज्य में राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल का अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है।
इसे हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भारत किस स्थान पर है 2020 में, 51, 48, 57, 37। सही आंसर हो जाएगा भारत अंडर 50 में पहली बार आया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 50 में यानी 48वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, 131 देशों की सूची में यमन सबसे लास्ट में है। तो आप ये भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है और 131 देशों की सूची में सबसे लास्ट में यमन है। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था, भगवान दास, मलिक अंबर, भारमल, टोडरमल। मैं आपको बता दूं, मुगल काल के दो वीडियोज मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में दो वीडियोज में मैंने पूरे मुगल काल को समाप्त किया है और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप एक बार उसको जाके देखिए, मैंने पूरी कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा टोडरमल, यह राजस्व प्रशासन से संबंधित थे अकबर और शेरशाह सूरी के भी शासन काल में। दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा वर्णित है, आपको बताना है। महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था उसमें 8 मुख्य वाक्य कही गई थी, तो उसमें से कौन सा सम्मिलित है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, इन तीनों में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में है। सही आंसर होगा केवल 1 और 3, यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात अष्टांगिक मार्ग में की गई है, जबकि सम्यक दर्शन की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। अब जरा इसे गौर से देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो जीवन का उपदेश दिया था पहला सम्यक दृष्टि कहा था, यानी सम्यक दृष्टि के तहत क्या क्या करने के लिए बोला था, जीव हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्याभिचार यानी पर स्त्री गमन, दूसरे की पत्नी पर मतलब दूसरे की पत्नी को देखना या फिर उससे शारीरिक संबंध बनाना, इस चीज़ को उन्होंने गलत बताया था। ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, सम्यक दृष्टि के। फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये महावीर बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को निम्न में से किसने लिखा था, सरोजनी नायडू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नरसिंह मेहता ने। ये पूरा सॉन्ग है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना, ऐसे करके है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी नरसिंह मेहता जो थे इस सॉन्ग के रचयिता थे। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोजोम में या राइबोसोम में। सही आंसर होगा सी नंबर, क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, मतलब मैक्सिमम पादप रोग जो होते हैं, जैसे आपने अभी भी पढ़ा था मूंगफली का टिक्का रोग, सेब का अग्निर्जा रोग, ये सारे रोग के नाम हैं। तो मैक्सिमम जो रोग होता है पादप में वह कौन से कारक के कारण होता है, फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। सही आंसर होगा फफूंद के कारण सबसे ज़्यादा पादप रोग होता है, या इसे ही हम कवक के नाम से भी जानते हैं। अग्निनिर्जा रोग का संबंध किससे है, सेब से, नारंगी से, अंगूर से, नारियल से।
कहीं अग्नि रजा लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको अग्नि नीरजा लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि नीरजा रोग का संबंध सेब से है। धान का प्रसिद्ध खैर रोग किसके कारण होता है? फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण? सही आंसर होगा डी नंबर, जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जीवाणु के आकार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई गोल आकार का होता है, कोई वेब्रियो विब्रियो बोला जाता है या फिर वैसिली कहा जाता है, तो वो डंडाणु छर के आकार का होता है, एस्पायरिला, इस तरह के ये सभी आकार दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जीवाणु का नाम भी उसके आकार के ही नाम पर रखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सबसे छोटा जो है वह जीवाणु है। सही आंसर होगा ए नंबर, जो कोकाई है यानी जो गोलाणु होता है वह सबसे छोटा जीवाणु होता है। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस परिस्थिति में? पहला ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह, तीसरा है आंतरिक अशांति, चौथा है एक और दो दोनों, यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों। सही आंसर होगा डी नंबर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों ही स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। तीन अनुच्छेद यहाँ पे महत्वपूर्ण है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके तहत गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थान को RTI अधिनियम से बाहर रखा गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30(1)। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 29 के तहत RTI दायरे से अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखा गया है। इसका कारण यह है अनुच्छेद 29 जो है वह किस चीज़ से संबंधित है मैं बताता हूँ आपको। यह जो है यह अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो इसीलिए RTI दायरे से अनुच्छेद 29 के ही तहत गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखा गया है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके तहत आप 10 रुपया खर्च करके एक एप्लीकेशन लगा के आप किसी भी संस्था से जानकारी, किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी पद पे बैठे अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आजाद शत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा केवल दो सही है। आप जानते हैं हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और उसका पुत्र आजाद शत्रु था। आजाद शत्रु ने अपने पिता, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इस वंश में जितने भी राजा हुए
वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे थे। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, नहीं, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर की थी और फिर वह राजा बना था। इसलिए प्रथम जो है वह गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि अजात शत्रु ने काशी और वैशाली राज्य को जीत कर अपने में मिलाया था। तो केवल दो आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, अघन्य। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुजारी के लिए, ऋषि के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए? अघन्य शब्द का अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, आप गौर कीजिएगा जरा क्वेश्चन पे, मैं पूछ रहा हूँ प्रथम संपादक, इंडियन ओपिनियन के बाद के संपादक की बात नहीं कर रहा, प्रथम संपादक कौन थे, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर? सही आंसर होगा मनसुख लाल नजर, यह इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। जबकि अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत 1904 ईस्वी में किया था और यह एक समाचार पत्र है। इसके जो प्रथम संपादक थे वह मनसुख लाल नजर थे। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस द्वारा जांच समिति गठित की गई थी, इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं हैं? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एम आर जयकर, अबुल कलाम आज़ाद? मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी पीछे ही मैंने बताया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, उसके बाद एक हंटर आयोग का गठन किया गया था, अंग्रेजों ने इसका गठन किया था, इसमें कई सदस्य थे, बट इससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। यह किसके लिए बनाया गया था हंटर आयोग, ये भी आपसे पूछा जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड करने की जांच करने के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस कार्य से संतुष्ट नहीं थी, हंटर आयोग से संतुष्ट नहीं थी, तो फिर कांग्रेस ने भी एक जांच समिति गठित की थी। आपको बताना है इनमें से कौन से व्यक्ति कांग्रेस की जांच समिति में सम्मिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एम आर जयकर, अबुल कलाम आज़ाद? सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। यह कांग्रेस के द्वारा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जांच समिति गठित की गई थी उसके सदस्य में नहीं थे, जबकि अन्य तीन मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एम आर जयकर, ये सभी सदस्य थे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा, इस समिति को क्या कहा जाता था, तहकीकात समिति के नाम से जाना जाता था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य कौन कौन से थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सी आर दास, पुलुल जयकर, ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम में सजाएं, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, कौन सा मतलब घटनाक्रम किस तरह से हुआ है, इस भी के अनुसार आपको सही क्रम में सजाना है। तो आपका सही आंसर होगा एक, अगस्त घोषणा, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, तीन नंबर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव होगा, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन होगा, यह इस भी वाइज बढ़ते क्रम में दिया गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किस जगह पर हुई थी? तो दरभंगा महाराज के महल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, या फिर सदाकत आश्रम पटना में, या राजगीर में? कहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी?
सही आंसर होगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र काम में लाया जाता है, तो वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई कौन कौन सी है? मिलीबार, सभी, पास्कल, किलो पास्कल। आपको यहाँ पे बताना है वायुदाब को किन किन यूनिटों में मापा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सभी में, मिलीबार में भी मापा जाता है छोटे वायुदाब को, पास्कल और किलो पास्कल, इन सभी चीज़ों में वायुदाब को मापा जाता है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? चूहा मारने में जो विष का उपयोग किया जाता है वो कौन सा यौगिक होता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड। सही आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड, इसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवाओं में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर होगा आपका तो गुजरात में सर्वाधिक पवन फार्म स्थित है। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? अभिलेख का मतलब अशोक के समय में या उसके बाद के समय में बात हो रही है। तो आपसे पूछा गया है कि रेशम बुनकरों का एक श्रेणी था, इसकी चर्चा किस अभिलेख में किया गया है? मंदसौर अभिलेख में, खंजन अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसे हरिसेन ने लिखा था, या फिर भीतरी अभिलेख में, किस में उल्लेख किया गया है? सही आंसर होगा मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। स्थलीय समीर और जल समीर यह किस तरह की पवन है? संगानी पवने, नित्यवाही पवने, पवने सामयिक पवने या फिर स्थानीय पवने। सही आंसर होगा ये स्थानीय पवने हैं, सामयिक पवने हैं। सामयिक पवने का मतलब होता है समय के आधार पे ये अपना रुख बदलते रहते हैं। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। स्थल समीर यह रात्रि के, आप इतना दो चीज़ याद रखिएगा, स्थल समीर जो होता है वह रात्रि के समय में चलता है, और जल समीर जो होता है या समुद्री समीर भी इसे कहा जाता है, यह दिन के समय में चलता है। ये दो बातें आप याद रखिए। मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको कि स्थल समीर का मतलब है जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती है, और थल समीर का मतलब, स्थल समीर का मतलब है कि जब हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बढ़ती है, और समुद्री समीर का मतलब है जब हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थल समीर रात्रि के समय में बहता है। तो एक बात और आप जानते हैं, समुद्र का जो जल होता है वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो रात्रि के समय में जब समुद्र का जल गर्म ही रहता है, तो वहाँ का गर्म होने के कारण वहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है, और धरती पर जो हवा रहता है वह तो तुरंत ठंडा हो जाता है, यानी यहाँ ठंडी हवाएं होती है। तो ठंडी हवाएं उन गर्म हवाओं का जगह लेने के लिए स्थल से समुद्र की तरफ बढ़ती है, इसे ही हम स्थल समीर कहते हैं। अब जरा समुद्री समीर को समझते हैं। समुद्री समीर मैंने बताया आपको दिन के समय में होता है। दिन के समय में स्थल का जो, स्थल के ऊपर जो वायु है वह अत्यधिक तेज़ी से गर्म हो जाता है, लेकिन समुद्र का जल इतना जल्दी गर्म नहीं होता है। तो समुद्र का जल ठंडा रहता है, जल के ऊपर जो भी मतलब वायुमंडल रहता है वो ठंडा रहता है, और स्थल पे
हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो दिन में कहाँ से हवा चलती है? समुद्र से हवा चलती है, किसके तरफ? स्थल के तरफ। तो इसे हम समुद्री समीर कहते हैं। इसी कारण से आप जानते हैं चेन्नई या फिर मुंबई में जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ना तो वहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक ठंड पड़ती है। इसका कारण यही है, स्थल समीर और समुद्री समीर। उल्का से हमारी रक्षा कौन सी परत करता है? मध्यमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? उल्का से हमारी रक्षा कौन करता है? सही आंसर होगा आयन मंडल, उल्का से हमारी रक्षा करता है। निम्न में से कौन सा यौगिक वायुमंडल में पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया जिसे हम कहते हैं, NH4 को अमोनिया कहते हैं, और CH4। इसमें से कौन सा है यौगिक जो कि वायुमंडल में पाया जाता है? सही आंसर होगा CO2 वायुमंडल में पाया जाता है। आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा अन्य जलवाष्प और अन्य गैसें पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिसिस का अर्थ क्या होता है? यह वर्ड है ऑस्ट्रेलिस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? उत्तरी, दक्षिणी, दोनों, कोई नहीं। ज्योग्राफी का पूछा गया प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी। सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक वायुमंडल की परत का क्रम बताएं, मतलब नीचे से ऊपर तक जो वायुमंडलीय परत है कौन सा सही यहाँ पे लिखा गया है? सही आंसर होगा क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाया जाता है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। आयन मंडल जो कि रेडियो मंडल भी कहा जाता है, रेडियो किरणें जितनी भी होती है, जो भी चैनल आप देख पाते हैं, ये सभी आयन मंडल के ही होने के कारण होता है। फिर बहिर्मंडल, मतलब यही क्रम सही है नीचे से ऊपर तक, पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 22 के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अविलंब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ।